ठीक है, अल्पसूचित प्रश्न समाप्त हुआ। तारांकित प्रश्न, प्रश्न संख्या 119, श्री मोहम्मद नवाज आलम, पथ निर्माण विभाग। चंदवा से धरारा तक जल संसाधन विभाग के बांध पर पथ के निर्माण का प्राकलन प्राप्त हुआ था। पथ निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त है। पथ निर्माण विभाग के प्राकलन को अद्यतन दर पर संशोधित किया जा रहा है। संशोधन के पश्चात अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। समय सीमा कुछ निर्धारित कर दिया जाए सर? समय सीमा तो आप जितना तत्पर रहिएगा उतना जल्दी। महोदय, इसका एनओसी ले लिया हमने जल संसाधन से, उसका प्राकलन भी बना दिया, लेकिन चूंकि 1 अप्रैल 2019 को हमने अपने एसओआर में परिवर्तन किया है, तो शेड्यूल ऑफ रेट है, तो नए रेट के हिसाब से उसका संशोधन किया जा रहा है। संशोधन करके आएगा तो करेंगे। 120 श्री केदार प्रसाद गुप्ता, 120 श्री केदार प्रसाद गुप्ता अनुपस्थित। 121 श्री वशिष्ठ सिंह, जल संसाधन विभाग, श्री वशिष्ठ सिंह के प्रश्न का उत्तर। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि रोहतास जिला अंतर्गत कोचस बितरनी के किलोमीटर 6.78 से खखरा रजवाहा निश्चित है। प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी सिंचाई के पूर्व आवश्यकता अनुसार सफाई कराकर नहरों के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उक्त रजवाहा के जीर्णोद्धार कार्य का प्राकलन तैयार करने हेतु विभागीय पत्रांक 797 दिनांक 25/6/2019 द्वारा मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन डेहरी को निर्देश किया गया है जून 2020 तक योजना का कार्यान्वयन कराए जाने का लक्ष्य। चलिए, धन्यवाद मंत्री महोदय, दे रहे हैं तो करा रहे हैं। अरे अब तो जून 20 तक का आपका काम हो जा रहा है। धन्यवाद। ठीक, 122 श्री राम विचार राय, ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, खंड 1 आंशिक स्वीकारात्मक है, खंड 2 आंशिक स्वीकारात्मक है, आवागमन चालू है, खंड 3 वस्तु स्थिति के प्रश्नाधीन पथ एवं पुल का प्राकलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत तैयार कर लिया गया है, जो प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है। स्वीकृति के उपरांत अग्रसर कार्रवाई की जा सकेगी। समय सीमा बता दिया जाए? समय सीमा प्रशासनिक स्वीकृति तो दे दिए हैं, जल्दी ही हो जाएगा, जल्दी हो जाए। चलिए, 123 श्री शशि भूषण हजारी, पथ निर्माण विभाग। महोदय, यातायात आंशिक रूप से बंद है, हल्के वाहनों का आवागमन चालू है, परंतु पथ की स्थिति खराब होने के कारण अमराज घाट पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा 500 मीटर लंबा उच्च स्तरीय पुल निर्माण के कारण भारी वाहनों का आवागमन बंद है। उक्त वर्णित पथ रोसरा मब्बीढाला सरचिया मंगलगढ़ राजघाट सतीघाट का पथान से किलोमीटर 22.52, राजघाट से 30.92, सतीघाट कुल लंबाई 8.40 किलोमीटर पथ को पथ निर्माण विभाग के सूचना संख्या 8903 पटना दिनांक 24/12/18 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग से अधिग्रहण किया गया। तदालोक में पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य का प्राकलन, 2000 उच्च स्तरीय पुल सहित तकनीकी अनुमोदन के उपरांत प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। प्रशासनिक अनुमोदन के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। 124 श्री मनोज कुमार, ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति है कि गुरुधाम भवन को वासुदेवपुर मार्ग रोड नंबर 1 जो राज्य योजना अंतर्गत निर्मित है से संपर्कता प्रदत्त है। इस आरेखन में शाहपुर गांव कन्नौजी टोला है जिससे राज्य योजना अंतर्गत निर्मित पथ से संपर्कता प्राप्त है। प्रश्नाधीन पथ के रेखांकन में शाहपुर गांव कन्नौजी टोला से गुरुधाम भवन तक कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है। इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महोदय, चूंकि एकल संपर्कता के नाम पे कई ऐसे टोलों को हम लोग संपर्क नहीं दे पाते हैं जो कि वह मुख्य पथ होता है ग्रामीणों का, तो मेरा मंत्री जी से एक सवाल है कि क्या इसे नवार्ड के माध्यम से या फिर किसी अन्य योजना के माध्यम से केंद्रीय विशेष अनुदान के माध्यम से इसका निर्माण कराया जा सकता है,
अगर कोर नेटवर्क में संभव नहीं है तो। महोदय हमने बताया कि गुरु माननीय सदस्य गुरुधाम भवन होते हुए मुख्य पथ पर आने के लिए जो चर्चा की कन्नौजी टोला में मंत्री सदस्य कह रहे हैं कि जो अभी योजना है उसमें संभव नहीं है, किसी दूसरे योजना से भी सही आप। महोदय हमने बताया गुरुधाम भवन को वासुदेवपुर मार्ग रोड नंबर 1 से राज्य योजना अंतर्गत निर्मित से संपर्कता प्राप्त है। आगे इस आरेखन में शाहपुर गांव कन्नौजी टोला है जिससे राज्य योजना अंतर्गत निर्मित पथ से संपर्कता प्राप्त है, जिसकी चर्चा मान्य सदस्य कर रहे हैं, दोनों को संपर्कता प्राप्त है। बीच से एक रोड की चर्चा कर जी रहे जी, मैं दूसरी रोड की बात कर रहा हूँ जो अधिक उपयोगी सड़क है, उसमें कोई भी योग्य बसावट नहीं है। मैं मुख्य रास्ते तक पहुँचने की बात कर रहा हूँ, मैं बसावट तक पहुँचने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस मुख्य रास्ते तक पहुंचने की बात कर रहा हूं, किसी दूसरे योजना मन में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, मेरा सवाल सिर्फ यही है। वो तो कह रहे हैं ना माननीय सदस्य की वो सड़क प्राथमिकता पे लेते हैं कि उसमें बसावट कितना है, मैंने कितने लोगों को सुविधा प्रदान करेगा वो सड़क, उसके संबंध में आप कोई निश्चित जानकारी दे दीजिएगा कितना बसावट उससे लाभान्वित होगा। ठीक रामानंद जी, अरे आपका यहाँ कहाँ आप उधर से मतलब है। 2010 में जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बसावट योजना के तहत जो सर्वे किया गया, 10 से अभी तक बड़ा बहुत ऐसा शहर में गांव शहर के अगल बगल पंचायत में बसा है जिसका रास्ता नहीं है। ये भी है कन्नौजी टोला, करीब 150-200 बसावट के लोग घर बसा, इनका जांच रिपोर्ट बढ़िया से भेजा नहीं विभाग, वही कह रहे मंत्री जी बसावट की जांच करवा लीजिए। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये भी करा दिया जाए कि जहाँ जहाँ बसावट नया बसे हैं उसका भी सर्वे करा ले लोकल, कम से कम पटना जिला के नया घर बसा। चलिए वीरेंद्र जी, सब आदमी संत गांव है जो, अरे आप ही पटना जिला में सहरसा जिला की बात कहाँ घुसा रहे हैं। ठीक, आप इसको मंत्री जी देखवा लीजिएगा बसावट के बारे में। महोदय जिस सड़क की चर्चा आप कर रहे हैं, महोदय 2000 से 2005 तक में इनकी सरकार थी 723 किलोमीटर बना, और जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी सत्ता संभाले हम लोग 86,000 किलोमीटर रोड बनाए महोदय। आगे जो बचा है जितने भी जो लक्ष्य है महोदय, ये माननीय मंत्री या जिले में जो बिल करता उसी का काम करते, मिल लीजिए आप कैसे करें हम। अरे ये तब तो आपको वीरेंद्र जी, तब तो आपको सहज नुस्खा मालूम है, वो व्यवस्था 125 श्री सत्यदेव सिंह जल संसाधन विभाग सकारात्मक है। पटना मुख्य नहर के 23वें किलोमीटर दाया से निश्रित माली रजवाह बितरणी के किलोमीटर 37.96 पर खरासीन ग्राम के निकट क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण हेतु 11,65,000 रुपये का प्राकलन तैयार कर लिया गया है। कार्यान्वयन हेतु आवंटन निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है। चलिए धन्यवाद मंत्री। अब 126 श्रीमती गुलजार देवी जल संसाधन विभाग। वस्तु स्थिति यह है कि मधुबनी जिला अंतर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित ग्राम द्वालख में जानकी नगर मुसहरी एवं 12 पंचायत के लाहबान गांव में तिलयुगा नदी से वर्तमान में कोई कटाव नहीं हो रहा है। स्थल निरीक्षण से पता चला है कि नदी तट के एनएलएस का आंशिक क्षरण हुआ है। विभागीय पत्रांक 2172 दिनांक 29/6/2019 द्वारा मुख्य अभियंता समस्तीपुर को बाढ़ अवधि 2019 में उक्त स्थल पर सतत निगरानी एवं चौकसी बरतने तथा आवश्यकता अनुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया है।
बाढ़ अवधि के पश्चात निरक्षोपरांत आवश्यकता अनुसार बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराने का विचार रखती है। ठीक। 127 श्री संजय शराब जी, उत्तर दिया हुआ है, पूरक पूछिए, उत्तर सर्कुलेटेड है। हम देख नहीं पाए। एक संजय जी आप देख लीजिए तब तक जी। उत्तर एक एक अरे एक एक सूचना हम सभी माननीय सदस्यों को देना चाहते हैं कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने जो ऑनलाइन प्रश्न देने की और सरकार से जवाब ऑनलाइन लेने की प्रक्रिया शुरू की है, उसके तहत मतलब उसमें अच्छी प्रगति हुई है। और एक चीज सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आप जब ऑनलाइन प्रश्न देते हैं तो बराबर ऑनलाइन उत्तर आया कि नहीं उसको भी चेक कर लीजिए। और जैसे कल ही 70 प्रश्न थे, उसमें से 46 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन आ चुके थे। इसमें सदन का समय बचेगा और आपके अधिक से अधिक प्रश्नों का निष्पादन हो सकेगा। जैसे यही प्रश्न है, अगर पढ़ के आए उत्तर तो सिर्फ सप्लीमेंट्री होगा, पूरक होगा, एक दो मिनट में एक प्रश्न का निस्तारण हो जाएगा, फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाए। हुजूर मेरे ऑर्डर पेपर में पढ़ दीजिए जी, मेरे ऑर्डर पेपर में नहीं। महोदय, खंड को आंशिक स्वीकारात्मक है, खंड दो स्वीकारात्मक है, खंड तीन प्रश्नाधीन पुल का प्राकलन में आवश्यक सुधार हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया, जिसके आलोक में प्राकलन में सुधार किया जा रहा है, प्राकलन सुधारात्मक सुधारोपरांत प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। हजूर 3 साल से DPR का प्राकलन का शुद्ध हो रहा, ठीक है, माननीय मंत्री जी बोल रहे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या कार्रवाई करेंगे अग्रतर और कब तक करेंगे, बस यही मेरा आग्रह जरा बता दे। 2 दिन के अंदर माननीय सदस्य को बैठा करके समस्या का हम निदान करवा देंगे। चलिए आशा करते हैं सर। श्री राजू तिवारी, अरे 3 साल का मामला है वीरेंद्र बाबू, जल संसाधन विभाग, श्री राजू तिवारी का जवाब दीजिए। पूछता हूँ, वस्तु स्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत संग्रामपुर अरेराज एवं पहाड़पुर प्रखंड के अंतर्गत बरियारिया गांव चंपारण तटबंध के 104 किलोमीटर से नवादा पिपरा एवं मलाही गांव से होकर टोक भरवलिया चंपारण तटबंध के 76 किलोमीटर तक तटबंध के टॉप पर ब्रिक सोलिंग किया हुआ है। नदियों पर निर्मित तटबंध के टॉप का उपयोग बाढ़ अवधि में तटबंध के निरीक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के परिवहन हेतु किया जाता है। यह आम रास्ता नहीं है। वर्तमान में सड़क के पक्कीकरण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सड़क निर्माण का कार्य पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। यदि संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जन दोनों तरफ, महोदय इसमें गाँव की आबादी है तो हम ये भी जानना चाहते हैं क्या ये परमिशन देंगे कि दूसरे विभाग से, जैसे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास से भी हम लोग अपने उत्तर में ही कह दिए, मूल उत्तर में, अगर कोई दूसरा विभाग बनाता है तो हम अनापत्ति दे देंगे। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक, चलिए 129 श्री सत्यदेव राम, सत्यदेव राम जी ग्रामीण कार्य। महोदय, खंड 1 स्वीकारात्मक है, खंड 2 स्वीकारात्मक है, खंड 3 वस्तु स्थिति है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 1.2 किलोमीटर है, जिसमें 500 मीटर ईटकृत एवं 700 मीटर कच्ची है, जो निजी भूमि है, इसमें कोई बसावट नहीं है। उक्त पथ से संबंधित बसावट धर्म परसा, सफापुर, शेख परसा एवं बथवा को पक्की सड़क से एकल संपर्कता प्राप्त है, अतः पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आगे बढ़े जी। महोदय, 2 पंचायत के लोगों को एकल रास्ता है मुख्य मार्ग से, मंत्री जी उसको ठीक से जांच करा लेंगे तो हम समझते हैं कि 2 पंचायत के लोगों को आवागमन
प्राप्त होगा, अन्यथा जो परेशानी है दो पंचायतों के। ठीक है, आप लिख के दे दीजिएगा, वो जांच करा लेंगे। 130 श्री अशोक कुमार सिंह, 203 ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, खंड एक अस्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि नौ प्रखंड सिंचाई विभाग के परिसर में BRGF द्वारा निर्मित भवन प्रखंड संसाधन केंद्र में चलता है। खंड दो अस्वीकारात्मक है। सिंचाई विभाग के परिसर में ही ई किसान भवन एवं अन्य भवन में सरकार की योजनाएं कार्यान्वित की जाती है। खंड तीन वस्तु स्थिति यह है कि कैमूर जिला अंतर्गत नुआव प्रखंड से अंचल कार्यालय से आवासीय भवन निर्माण हेतु मौजा भोगनपुर थाना नंबर 247 अंतर्गत 5.5 एकड़ भूमि अर्जन पुनर्वास उचित प्रतिकर पारदर्शा अधिनियम 2013 के तहत विभाग द्वारा कुल 7,01,28,138 रुपए की लागत बैंक पर भू अर्जन करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात कैमूर जिला के नौ प्रखंड से अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवन के निर्माण से संबंधित अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो भूमि अधिग्रहण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है वह कब दी गई और कब तक भूमि अधिग्रहण करके प्रखंड मुख्यालय बनाया सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी कैमूर के पत्रांक संख्या 463 भू अर्जन दिनांक 14/1/2014 एवं जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी के पत्रांक संख्या 581 दिनांक 29/7/2017 के आलोक में विभागीय पत्रांक संख्या 35/39/62 दिनांक 13/2/2018 द्वारा कैमूर जिला अंतर्गत नुआव प्रखंड से अंचल कार्यालय से आवासीय भवन के निर्माण होते भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत 7,01,61,138 रुपए की लागत पर भू अर्जन करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। आप तो खाली पूछ रहे हैं। दूसरा पूरक था अध्यक्ष महोदय, तक बता। दूसरा मेरा पूरक था कि कब तक भूमि का अधिग्रहण करके प्रखंड मुख्यालय सरकार बनाएगी, इसका जवाब माननीय मंत्री महोदय ने नहीं दिया। 131 श्री मोहम्मद आफाक आलम हो जाएगा। श्री मोहम्मद आफाक आलम अनुपस्थित। 132 श्री नारायण प्रसाद ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति है कि प्रश्नाधीन पत्र राज्य कोर्ट नेटवर्क के CNCPL के क्रमांक 32 पर सम्मिलित है, जिसका प्राकलन तैयार कर लिया गया है। स्वीकृति उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। 133 श्रीमती भागीरथी देवी ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के स्वीकृत कोड नेटवर्क के रेखांकन पर नहीं है। पुल का स्थल एक तरफ टिकुल टोला एवं दूसरी तरफ गोइठरी को पक्की सड़क से संपर्कता प्राप्त है, अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ठीक है। 134 श्री अवधेश कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ओकर स्वीकृति हो चुकल बा। का बोलले? प्रस्ताव नहीं किया, तब तक कैसे मानल जाए हुजूर की मैंने माननीय मंत्री जी कहा था कि स्वीकृति हो चुकी। समझ लीजिएगा आप माननीय सदस्य से। अवधेश कुमार सिंह जी का उत्तर, लघु जल संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक। अध्यक्ष महोदय ठीक तब होता अध्यक्ष महोदय, जब विषय को आपके ध्यान में दिया जाता। हमने बबुरन पैन का जमींदारी बांध की बात की है। सिंचाई मंत्री यहाँ बैठे हैं,
माननीय लघु सिंचाई मंत्री बैठे हैं, ये जमींदारी बांध जो क्षतिग्रस्त है, माननीय मंत्री ने कहा कि इसको सिंचाई विभाग में हस्तांतरित कर दिया, अध्यक्ष महोदय इतने आसानी से कहा ठीक है। अरे इस पर संज्ञान लीजिए अध्यक्ष महोदय, एक तरफ संरक्षण की बात तो करा जल का, माननीय आपका कहना क्या है? मेरा कहना है कि बबुरैन के हिसाब से ये बबुरैन जमींदारी बांध लघु सिंचाई विभाग का है जी, यही तो हम कर है। आप इसको देखवा लीजिए, क्यों लघु सिंचाई विभाग का है तो फिर सिंचाई विभाग कैसे जवाब? महोदय जो भी जमींदारी बांध है सरकार का निर्णय है, पहले राजस्व विभाग में था महोदय, उसको सबों को हस्तांतरित कर दिया गया जल संसाधन विभाग में महोदय। ठीक है, जल संसाधन विभाग अध्यक्ष महोदय क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण समय भी तो है महोदय, और भी क्वेश्चन चार पांच अभी आ जाए, जब सरकार का मंत्री जी को जवाब जल संसाधन विभाग दिए, मंत्री जी को बीमारी हो गया है, इनकी बीमारी को दूर किया जाए महोदय, इन पर प्रिविलेज लाया जाए, टाइम पास कर रहे हैं, प्रिविलेज लाना होगा, समय बर्बाद कर रहे हैं। अगले दिन जिस दिन जल संसाधन विभाग लिस्टेड रहेगा उस दिन ये प्रश्न आएगा। चलिए 135 जमींदारी बांध के संबंध में, और उसी के संबंध में माननीय मंत्री ने कहा है कि अब उसके संबंध में सारे प्रश्नों का जवाब जल संसाधन मंत्री देंगे, तो उनको क्या पूछ रहे हैं? इशू है सर, चूंकि ये विभागीय कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस कारण कभी ये डिपार्टमेंट में जा रहा है, कभी ये डिपार्टमेंट में, ठीक, और ये सरकार को ध्यान देना है। ग्रामीण कार्य विभाग महोदय, वस्तु स्थिति ट्रांसफर होकर आ गया है, वस्तु स्थिति है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ रामपुर गांव है, जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित कुदरा बरस्थुआ पथ से संपर्का प्रदत्त है, पुल के दूसरे तरफ कुदरा बाजार स्थित है जो NH2 GT रोड पर अवस्थित है एवं इसे विभिन्न पथों से संपर्का प्रदत्त है, कुदरा बाजार से रामपुर गांव के बीच कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया, प्रस्तावित पुल स्थल के डाउन स्ट्रीम में 2 किलोमीटर पर पुल है जिस इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ठीक, प्रश्न संख्या 136 श्री चंद्रशेखर ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति के प्रश्नाधीन पद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 अंतर्गत DPR तैयार कर अनुमोदित हेतु STA को समर्पित है, NRRDA नई दिल्ली से स्वीकृति उपरांत इसका जीर्णोद्धार कराया जाना संभव हो सकेगा, कोई समय सीमा बता पाएंगे मंत्री जी? इस चलते सत्र में करवा देंगे। ठीक, 137 श्री विद्यासागर केसरी, श्री विद्यासागर केसरी पहले पूछ तो लीजिए। जी पूछता हूँ, ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति है कि प्रश्नाधीन पुल राज्य योजना अंतर्गत निर्मित भेरियाई से SSB कैंप तक पथ के रेखांकन में पिछले नदी पर अवस्थित वर्तमान में यह क्षतिग्रस्त है, क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नए पुल के निर्माण हेतु टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की मांग की गई है, तत्पश्चात समीक्षा प्रांत अग्रतर आवश्यक कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। बहुत है, ये बॉर्डर पर जो है किसले नदी का पुल है, पिछले साल जो 2017 की जो बाढ़ आई थी अगस्त माह में, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और जो ये हमारे जो क्षेत्र में जो पानी का जो रफ्तार था उसका मुख्य प्रवाह बिंदु जो था वही था, जिसके चलते पुल काफी डैमेज हो गई है, और सीमावर्ती क्षेत्र है, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण यह क्षेत्र है, और उस पुल से SSB कैंप के सिपाहियों को आना जाना रहता है, और अगर इस पुल का निर्माण नहीं हुआ जल्द से जल्द, तो मैं समझता हूँ कि नेपाल से जो रोटी बेटी का जो संबंध है पुल के गिरने से तुरंत समाप्त हो जाएगा,
आना जाना लोगों का, इसलिए स्कूल का निर्माण अति आवश्यक है महोदय। चलिए, आपका फारबिसगंज से क्या संबंध? सीतामढ़ी से? अरे बाढ़ से क्या मतलब है, वो वहां पुल की बात कर रहे हैं। धरना दिया अनशन के। चलिए ठीक है, अब 138 श्री अनिल सिंह, 138 श्री अनिल सिंह, श्री अनिल सिंह अनुपस्थित, 139 श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, लघु जल संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। शिवहर जिला के तरियानी प्रखंड के बराही गांव के वार्ड संख्या 7 में महोदय दो नलकूप क्रमशः बराही उत्तरी एवं दक्षिणी अवस्थित है, जो विगत 4 वर्षों से ट्रांसफार्मर एवं मोटर जल जाने के कारण महोदय बंद है। खंड दो, राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के तहत राज्य के सभी नलकूपों का संचालन एवं मरम्मती कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना है। इसके तहत उक्त दोनों नलकूपों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया है। विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर बदलने के पश्चात मोटर ठीक कराकर पंचायत द्वारा नलकूप चालू करा दिया जाएगा। इसके लिए महोदय कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल शिवहर को राशि उपलब्ध महोदय करा दी गई है। ट्रांसफार्मर लगाने हेतु कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल शिवहर के पत्रांक 138 दिनांक 24/2/2016 एवं पत्रांक 290 दिनांक 8/2/2019, पत्रांक 1131 दिनांक 21/6/2019 एवं पत्रांक 1150 दिनांक 24/6/2019 द्वारा विद्युत विभाग को लिखा गया है। महोदय, ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जल्दी से जल्दी लग जाए, और महोदय दोनों पंचायतों को 50,000 रुपया हमने आवंटित कर दिया है। महोदय, यथाशीघ्र दोनों को हम लोग चालू करा देंगे। एक माननीय मंत्री जी, अभी जो आप कह रहे थे कि उसमें पैसा आपने अपने विभाग के कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया है, जी, जी। मतलब राशि आप दे रहे हैं जी, और एग्जीक्यूशन आपने जो पढ़ा कहा उसमें सरकार की नीति के हिसाब से ग्राम पंचायत को करा जी, जी। तो फिर उसका नियंत्रण महोदय समय समय पर सचिवालय स्तर पर उसकी समीक्षा होती है, कार्यपालक अभियंता यहाँ अद्यतन प्रतिवेदन देते हैं महोदय, और नीचे में भी पंचायत से कहा गया है कि जो कनी अभियंता है विभाग के, जो सहायक अभियंता है, उनसे मदद लेकर के इस काम को आगे बढ़ावें। और महोदय लगातार समीक्षा हो रही है सचिवालय स्तर पर हर सप्ताह में। इसमें कहा कि मंत्री जी समन्वय की आवश्यकता होगी, उसको विभाग जरूर देख ले जी, नहीं तो राशि आप उपलब्ध करा रहे हैं, राशि आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ जा रहा है, फिर क्रियान्वयन की देखरेख पंचायत को करनी है, तो फिर ये सही हुआ गलत हुआ, राशि का उपयोग हुआ नहीं हुआ, ये समन्वय पंचायत से आपका विभाग कैसे करेगा, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। वो भी महोदय, वो भी हम प्राप्त किए हैं कि कौन पंचायत को कितनी राशि महोदय दी गई है और किस पंचायत ने ट्यूबवेल की मरम्मती की है, इसकी भी समीक्षा महोदय सचिवालय स्तर पर हमारे प्रधान सचिव लगातार कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा ग्राम पंचायत को दे दिया, ठीक है महोदय, माननीय ग्राम पंचायत को दे दिया, लेकिन इस पर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स होगी, कोई गड़बड़ी होगी, तो कौन जवाब दे? हम बताए हैं ना, आप जो कह रहे हैं, हमने सरकार को कहा है कि उसके प्रति सजग रहे और उसके समन्वय देखरेख राशि के सदुपयोग पर पूरा प्रभावी नियंत्रण सरकार देखे, वही हम कहे। इसी बात का मंत्री जी जवाब। 140 श्री राम विश्वन सिंह, और आपको कुछ अरे हाँ आप बोलिए। में किसानों के खेतों में पटवन के लिए सरकारी नल कूप जो 5 वर्षों से बंद है,
जिससे खेतों के पटवन नहीं हो रहा है। तीनों नलकूप में पानी नहीं निकलता है महोदय, जिसके कारण सैकड़ों एकड़ जमीन पटवन के अभाव में बंजर हो गया है महोदय। किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि शीघ्र चालू नल चालू कराने की निर्देश देने की कृपा करें। महोदय, मैंने कल इसकी समीक्षा की थी अपने स्तर से, और कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग दोनों संपर्क में है महोदय। हम ये चाहते हैं कि एक सप्ताह के अंदर उसको हम चालू करेंगे। ठीक है। 140 श्री राम विश्वन सिंह, जल संसाधन विभाग, मंत्री जल संसाधन विभाग श्री राम विश्वन सिंह जी का उत्तर। 140। आंशिक रूप से महोदय सकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि भोजपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड में सोन नहर से पीरो कटैया राजवाह, बिहिया राजवाह, सिकरिया राजवाह एवं ज्ञानपुरा उपराजवाह तथा पीरो प्रखंड के अंतर्गत लहठान राजवाह तथा तार वितरणी के अंतिम छोर पर स्थित तैयार ग्राम में सोन बेसिन में जल की उपलब्धता के अनुरूप कृषकों को पटवन कार्य हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। बाणसागर जलाशय से बिहार राज्य को मई एवं जून माह में कुल 1,86,000 एकड़ फीट तथा रिहन जलाशय से भी 4,68,000 एकड़ फीट जलापूर्ति होनी थी, जिसके विरुद्ध बाणसागर जलाशय से दिनांक 18/6/2019 तक कुल 1,18,014 एकड़ फीट एवं रिहन जलाशय से मात्र 47,556 एकड़ फीट ही जलापूर्ति की गई। जल की उक्त उपलब्धता के आलोक में सोन नहर प्रणाली के अंतर्गत कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। बाणसागर समझौते के अनुरूप बांछित जल स्रोत उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता योजना एवं मॉनिटरिंग जल संसाधन विभाग पटना के पत्रांक 374 दिनांक 13/6/2019 द्वारा बाणसागर जलाशय से 6000 घनसेक जलस्रोत तथा पत्रांक 363 दिनांक 1/6/2019 के द्वारा रिहन जलाशय से 6000 घनसेक जलस्रोत प्रतिदिन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। पुनः इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग बिहार के पत्रांक 376 दिनांक 18/6/2019 के द्वारा अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल को स्मार दिया गया। वर्तमान में रिहन जलाशय से 5,784 एवं बाणसागर जलाशय से 5,720 धनसेक जलाश्रय प्राप्त हो रहा है तथा सोन नदी के उन्द्रपुरी बराज पर 12,795 धनसेक जलाश्रय उपलब्ध है, जिससे संबंधित नहरों के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी जानना चाहते हैं, जब पानी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो किसानों से आप रेंट क्यों लेते हैं, और पानी आपके जो है से इस जो हमारा राजवाह दिया गया है उसके ऊपर पानी आपके निगरानी के अभाव में पानी बर्बाद हो रहा है। अगर यदि पानी की अगर समुचित व्यवस्था करके दिया जाता तो आपके पानी इस जितना हमारे राजवाह जितने दिए हैं उसमें पानी आता। पानी आने के लिए कोई प्रयास आपका अवसर कर नहीं रहा है, और दूसरी बात है कि पानी पहुंचाते नहीं है किसानों को और अपने रेंट ले लेते हैं, ये क्या बात है हजूर? इनका जवाब दे। वही सर की अगर पानी नहीं पहुंचाते हैं, इनके पास पानी अगर उपलब्ध नहीं है, जितना मंत्री जी ने बताया कि हमारे पास पानी उपलब्धता नहीं है, तो फिर हमारे ये सब किसानों का इन्हों रेंट क्यों लेते हैं सिंचाई का? क्या कर दिया? रेंट लेते हैं सर इनका ये। महोदय, इसको ये क्योंकि 2-3 स्टेट का मामला है, जैसे मैंने कहा, और मध्य प्रदेश से ये पानी नहीं आया था बीच में, यहाँ से भी स्मार दिया गया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में है, उन्होंने भी वहाँ से फॉलो अप किया। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं उसमें दो बात सरकार को ग्रहण करनी चाहिए। पहली चीज तो पानी कम मिल रहा है और आप जो भी बाणसागर या रिहान से मिल रहा है आप उसके वितरण की व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय सदस्य का कहना है पहली बात कि जो भी पानी आ रहा है रास्ते में उसकी बर्बादी हो रही है। एक तो विभाग
के तरफ से उस पर जरा निगरानी सख्त करना दिखवा लेता हूँ कि पानी की बर्बादी नहीं हो। दूसरी बात जो और महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि अगर पानी किसानों को किसी खास मौसम में सीजन में सरकार नहीं दे पाती है तो उस सीजन का उनको जो वो जब रेंट पटवन कर रेंट नहीं है वो पटवन कर होता है तो पटवन कर उस पीरियड का तो नहीं लगना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ये तो मैं दिखवा लेता हूँ। ठीक 141 श्री हेम नारायण शाह जल संसाधन विभाग। महोदय अस्वीकारात्मक है। वस्तुति स्थिति यह है कि सीवान जिला अंतर्गत महाराजगंज प्रखंड के माधोपुर ग्राम ततुआ टोला छपरा शाखा नहर के 89.90 के निकट पूर्व में अवस्थित है। प्रश्नगत स्थल से 1.49 किलोमीटर अपस्ट्रीम में नहर के 8500 पर तारवाह के पास द्विपथीय सेतु तथा 0.945 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में 93.00 पर एक पथीय सेतु निर्मित है। नहर के सेवा पथ दाई ओर निर्मित है जिसका उपयोग नहर निरीक्षण के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा यातायात के रूप में किया जाता है। प्रश्नगत स्थल पर नहर का जलस्रोत 1307 धनसेक है। विभागीय मापदंड के अनुसार नहर के अंतिम छोर तक जलस्रोत प्रवाहित करने हेतु दो पुलों के बीच की दूरी प्रायः 1.50 मील अर्थात 2.40 किलोमीटर होना चाहिए। उक्त मापदंड के अनुसार प्रश्नाधीन स्थल पर पुल अनुमान्य नहीं है। ये जो टोला है ततवा टोला उसमें 80% महादलित के लोग रहते हैं तो महादलित के लोग तब पढ़ने लिखने जाएंगे बच्चे जबकि सुविधा होगा तो 2-3 किलोमीटर घूम के बच्चे जाएंगे तो शिक्षित बनेंगे इसलिए आवश्यक है कि वहाँ पुल देना जरूरी है। तो मंत्री जी बतावे कि अगर बच्चों को शिक्षित करना है मैं दिखवा लेता हूँ लेकिन ये जो एक पैरामीटर बना हुआ है डिपार्टमेंट का कि अगर अंतिम छोर तक सिंचाई पहुँचाना है और बीच बीच में पुल बनेगा। हेम नारायण जी एक चीज आप दिखवा लीजिएगा मंत्री जी कह रहे हैं कि जो दूसरा पुल है नियम है कि 1.5 किलोमीटर से कम दूरी होने पर वो अनुमान्यता नहीं होती है। आप कह रहे हैं 2-3 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो वो आप सूचना मंत्री जी को दीजिएगा उसको दिखवा ज्यादा है तो हम कंसीडर करके देख लेंगे। ठीक 2 किलोमीटर मिल लेंगे। किधर से आवाज आ रही? अरे आप केसरी जी आप पूर्णिया से सिवान कहाँ पहुंच गए? तो बहुत इसी संदर्भ की बात है कि संदर्भ में किसी भी प्रश्न का उत्तर जो पूर्णिया से रिलेटेड होगा कहां से देंगे मंत्री? ये संदर्भ क्या होता है? के रेडियस में जो पुल बनाया जाता था तो अब क्या है कि नहर के आसपास में बसावटें हो गई है और बसावटों के कारण जो है लोगों का जो है बहुत दूर दूर से आना छात्रों को बहुत दिक्कत होता है। हमारे यहाँ भी एबीसी नहर के पास में काफी बसावट हो गया है और बसावट के आसपास जो है लोगों का परिचालन काफी रहता है जिसके चलते वहाँ बीच बीच में पूछ की जरूरत है। विद्यासागर जी आप ये सूचना मंत्री जी को दे दीजिएगा देखवा लेंगे। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन। माननीय सदस्यगण आज दिनांक 3 जुलाई 2019 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री ललित कुमार यादव, मोहम्मद नवाज आलम और श्री राजेंद्र कुमार आज सदन में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल होने दीजिए। आए सुना दीजिए सूचना।
नियम नहीं है सुनाने का, लेकिन हम सुनाना चाहते हैं। आम तन को झकझोर कर रख दिया है, राज्य की जनता भगवान भरोसे सुबह से शाम तक वक्त निकल रहा है। भगवान के भरोसे तो सबको रहना पड़ता है, बहुत है, लेकिन राज्य सरकार गूंगी है, राज्य सरकार महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुरुष और बच्चियां सुरक्षित नहीं है, न किशोरी न शहर सुरक्षित है, न गांव न घर सुरक्षित है, न आम जनता को गली मोहल्ले से लेकर गांव और शहर तक वारदातों से हर पल सामना करना पड़ता है। ठीक, राज्य की राजधानी भी सुरक्षित नहीं है, राजधानी में पिछले 7 माह में 17 हत्याएं तथा 16 अप्रैल 27 मई के बीच 11 हत्याएं हो चुकी है। राजधानी को बदमाशों को अपना राज के जो लिखा हुआ बस वही पढ़ वही रख दीजिए ना। राज की राजधानी में एक एक रात में 4-4 ATM की लूट हो रही है। अब हम बड़े बड़े व्यवसायियों के दुकान में डकैती की घटना हो रही है। राज्य में चोरी डकैती हत्या एवं लूट थमने का नहीं। आप सरकार गृह विभाग के मांग के दिन विस्तार से रखिए। सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम चाहते हैं महोदय सरकार सभी आप आसन से आपका चाहना ये सभी कार्य को रोक, लेकिन आज नियम के हिसाब से नहीं हो सकता, इसलिए आप गृह विभाग वाले दिन बोलिएगा। अभी शून्यकाल, जब आम जन सुरक्षित नहीं है तो शून्यकाल या शून्यकाल। श्री अमित कुमार क्या करिएगा। रीगा चीनी मिल के किसानों द्वारा बिक्री किए गए गन्ने का भुगतान कई सीजन से नहीं किया जा रहा है, जिससे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। किसान हित में गन्ने का बकाया भुगतान सिर्फ कराई जाए। अध्यक्ष महोदय, मुख्य विपक्ष है महोदय, और जो विपक्ष में पार्टियां हैं उनके नेताओं का भी ख्याल इनको रखना चाहिए ना महोदय। अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत शेरघाटी डोभी एवं आमद सुखाड़ प्रभावित प्रखंड है। जलस्तर काफी नीचे चले जाने से पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। कई स्थानों पर टैंकरों द्वारा जल आपूर्ति की जा रही है। वर्णित प्रखंडों के सभी गांवों में अस्थाई पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग सरकार से करता हूं। महोदय विजय कुमार खेमका, अभी शून्यकाल चल रहा है, चलने। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित राज्य में 1 लाख से ज्यादा दवा की दुकानें हैं, जबकि डिग्रीधारी फार्मासिस्ट लगभग मात्र 20,000 हैं। फार्मासिस्ट की कमी तथा विभागीय कानून की वजह से 80,000 दवा दुकान बंद होने के कगार पर है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से फार्मासिस्ट बहाल करने या वोकेशनल ट्रेनिंग देकर अनुभवी दुकानदार को दुकान चलाने की अनुमति देने की मांग करता हूं। रोहतास जिला अंतर्गत सुसागर प्रखंड में ग्राम खोलू एवं चिनारी प्रखंड के किनार कला बसंतपुर गांव के बीच सड़क निर्माण हो जाने से दोनों प्रखंड के बीच की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। सरकार से उप सड़क का शीघ्र निर्माण कराने की मांग करते हैं। ठीक है, श्री मोहम्मद नवाज आलम अपने दल के सदस्य का सहयोग करिए। औसत 22-16 का पालन नहीं हुआ, विभाग द्वारा वैधता कराया जा रहा है। 17 मई में निविदा निकाली गई, लेकिन पालन नहीं हुआ, न्यायालय का आदेश का पालन करावे। श्री महबूब आलम महोदय, पटना न्यू मार्केट सहित पूरे राज्य में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीब दुकानदारों को उजाड़ने पर हाईकोर्ट द्वारा रोक के बावजूद स्मार्ट सिटी के नाम तो कहीं दबंगों के इशारे पर इजारा जा रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाने और उनके आवास दुकान की व्यवस्था की मांग करता हूं। श्री राजेंद्र कुमार सिद्धि विधानसभा अंतर्गत तुरकलिया प्रखंड के गदरिया स्थित रोड से
शंकर से ऐसी रोड तक जाने वाली RWD रोड में नहर पुल निर्माण नहीं होने के कारण आवागमन बंद की स्थिति में है। अतः सरकार इस पुल को जनहित में अब लिंक बना रहे हैं। सचिंद्र प्रसाद सिंह, बिहार राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों के पेराई 17-18-19 का करोड़ रुपया का बकाया चीनी मिलों के जिम्मे है। पैसा का भुगतान नहीं होने से कृषकों की स्थिति काफी दयनीय है। किसानों के बकाए पैसों का शीघ्र भुगतान करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री सुदामा प्रसाद, की कोई सुविधा यहां नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार आरा सदर अस्पताल के बाद सर्विस के मामले में पीरो CSC का स्थान है। यहां 30 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। श्री विद्यासागर केसरी, विधानसभा अंतर्गत रमय पंचायत के घोड़ाघाट से चिकनी तक बनी पक्की सड़क के बीच परमान नदी के दहरा घाट पर पुल की आवश्यकता है। पुल नहीं रहने से दो विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग इस सड़क का लाभ लेने से वंचित हैं। सदन से उक्त घाट पर पुल निर्माण की मांग करता हूं। श्री सुनील कुमार, श्री सुनील कुमार, मोहन सीतामढ़ी जिला अंतर्गत डुमरा प्रखंड के मोहनपुर चौक से दरियारपुर फोर लाइन चौक तक जाने वाली सड़क विगत 5 वर्षों से जर्जर एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहने से आम जनों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। अतः उक्त वर्णित सड़क को अतिशीघ्र जीर्णोद्धार करावें। और ध्यानाकर्षण सूचना, श्री मोहम्मद नवाज आलम, श्री मोहम्मद नवाज आलम नहीं पड़ी गई। अरे जगह पर तो जाइए। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। मोहम्मद नवाज आलम नहीं पड़ी गई। अरे जगह पर तो जाइए। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।